तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल के बैनर को और लोगों को कैसे बनाना है, कौन सा ऐप मैं यूज करता हूँ और बाकी यूट्यूबर भी यूज करते हैं, ताकि आपका जो बैनर और लोगो है वो प्रोफेशनल के जैसे आपके चैनल में फिट हो जाए। तो चलिए दिखाता हूँ। नमस्कार, स्वागत करता है शशि द एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट का खजाना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कौन से ऐप यूज करने से बढ़िया रहेगा, जो कि मैं यूज करता हूँ वो है कैनवा। और भी काफी ऐप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर बैनर एंड लोगो, मगर मैं प्रेफर करूंगा कैनवा, क्योंकि कैनवा एक ईजी है और उसमें कई तरह की टेम्पलेट्स हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो आप देखिएगा कितना इजी होता है उसको बनाना। तो चलिए ज्यादा देर ना करके शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे और हम लोग कैनवा ओपन करेंगे। कैनवा ओपन करने के बाद हमारा जो टॉपिक आज का है वो है लोगो और बैनर। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि लोगो कैसे बनाते हैं। हम जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे YouTube चैनल लोगो। मेरे को चैनल लोगो बनाना है तो मैं लोगो में क्लिक करूंगा। आप सर्च में जाइएगा, देखिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लेके आप अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं। चलिए मैं झट से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्रिएट ब्लैंक में किया, मेरे पास कोई भी एक इमेज, जैसे मेरी इमेज यहाँ पर डाउनलोड किया वो, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप जा रहे हैं, अगर आपको अपना जैसे एंटरटेनमेंट चैनल है आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए गेमिंग है, लोगो है, यूट्यूब लोगो है। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब लोगो दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कई सारे, तो मैं यहाँ पर कोई भी देखे एक रैंडम लेके मैं आपको बना सकता हूँ। जैसे कि देखिए ये, इसको मैंने क्लिक किया, अब इसको मैंने बना दिया। अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ कलर, यहाँ से मैं कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने कर दिया। अब इस तरह से करने के बाद आप इसको एनिमेटेड भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब मैंने इसको एनिमेटेड कर दिया, ये देखिए ये इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा। आपको जिस तरह से चाहिए वो आपको उस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं आप इसमें कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये देखिए कॉम्बिनेशन हो गया, ये देखिए। ये बहुत ही फैंटास्टिक ऐप है, और ताकि आप इसमें लोगो भी बना सकते हैं। ये आपने बना दिया, जब आप इसको सेव करने जाइएगा आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए जब डाउनलोड करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। शेयर लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आपका ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से डाउनलोड करिएगा। अब यहाँ पर दे रहा है आपको, आपको किस में डाउनलोड करना है, MP वीडियो में डाउनलोड करना है या JPG में या PNG में। कोशिश करिएगा PNG में ही करने का, क्योंकि PNG ही काम करता है। तो ये हो गया हमारे लोगों का काम। अब हम लोग चलेंगे बैनर की तरफ। बैनर की तरफ आपको दिखा देता हूँ मैं कि बैनर कैसे बनाना है, इसी में दिखा देता हूँ मैं। फिर से हम लोग कैनवा में जाएंगे और हम लोग अब जाके वहाँ पर YouTube लोगो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैनर। अब हम लोग लिखेंगे बैनर, बैनर कैसे बनाना है, YouTube चैनल बैनर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका दिखाई देगा बैनर कैसे बनाना है। बैनर आप कोई भी ले लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको ले लीजिए, अपने चैनल का नाम बिठा दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर नाम को एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं यहाँ पर लिख दिया शशि द एंटरटेनर, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको करके चेंज कर सकते हैं जो आप हैं। जैसे कि मेरा नाम है शशि द एंटरटेनर, एंटरटेनमेंट का खजाना, ये वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, यहाँ आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं आप, काफी सारे आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे। तो ये बैनर आप यहाँ से बनाते, जहाँ से मैं बनाता हूँ वही है। और इसके बाद सेव ऑप्शन करने के लिए सेम है, ये आपके बैनर को बनाएंगे। जब आप डाउनलोड में क्लिक करिएगा आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक PNG है और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं MP4 में या GF में, वो भी आपको मिल जाएगा, काफी सारे ऑप्शन है। तो ये था पूरा ऑप्शन जैसे कि आपको मैंने बताया आज का, कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐप मैं यूज कर सकता हूँ और कैनवा इज द बेस्ट। तो आप इसको यूज करिएगा, आपका जो चैनल है वो पूरा पूरी प्रोफेशनल के जैसा बन जाएगा, जैसे मेरा बना है। तो आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो आपके लिए इजी होगी और यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, प्लीज सपोर्ट इसी तरह से मेरे को करते रहिए। थैंक यू।